सिंहासन 32 के सातवें भाग में कौमुदी के द्वारा बताई गई कहानी से हमने जाना कि कैसे राजा विक्रमादित्य ने एक पिशाचिनी से प्राप्त हुए अन्नपूर्णा पात्र को एक ब्राह्मण को दक्षिणा में दे दिया। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। आठवें दिन राजा भोज पुनः राजदरबार में सिंहासन पर बैठने के लिए पहुंचे, तभी 32 पुतलियों में से एक आठवीं पुतली पुष्पवती जागृत हो गई और बोली, ठहरो राजन, अभी तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हुए हो। अगर तुम मानते हो कि तुम भी राजा विक्रमादित्य की तरह महान हो तो अवश्य बैठ सकते हो, पर पहले अपना आत्म मूल्यांकन करो। सुनो, मैं तुम्हें राजा विक्रम की कथा सुनाती हूँ। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक बढ़ई आया। उसने राजा को काठ का एक घोड़ा दिखाया और कहा कि यह न कुछ खाता है न पीता है और जहाँ चाहो वहाँ ले जाता है। राजा ने उसी समय दीवान को बुलाकर 1,00,000 रुपया उसे देने को कहा। दीवान बोला, यह तो काठ का है और इतने दाम का नहीं है। राजा ने गुस्से से कहा, 2,00,000 रुपये दो। दीवान चुप रह गया, रुपए दे दिए। रुपए लेकर बड़ई चलता बना, पर चलते चलते कह गया कि इस घोड़े में ऐंठ लगाना, कोड़ा मत मारना। एक दिन राजा ने उस पर सवारी की, पर वह बड़े की बात भूल गए और घोड़े पर कोड़ा जमा दिया। कोड़ा लगना था कि घोड़ा हवा से बातें करने लगा और समुद्र पार ले जाकर उसे जंगल में एक पेड़ पर गिरा दिया। लुढ़कते हुए राजा नीचे गिरे, संभलने पर उठे और चलते चलते एक ऐसे बीहड़ वन में पहुंचे कि निकलना मुश्किल हो गया। जैसे तैसे वह वहां से निकले। 10 दिन में 7 कोस चलकर वह ऐसे घने जंगल में पहुंचे जहां तक हाथ नहीं सूझता था। चारों तरफ शेर चीते दहाड़ते थे। राजा घबराए, रास्ता नहीं सूझता था। आखिर 15 दिन भटकने के बाद एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक मकान था। उसके बाहर एक ऊंचा पेड़ और 2 कुएं थे। पेड़ पर एक बंदरिया थी। वह कभी नीचे आती तो कभी ऊपर चढ़ती। राजा पेड़ पर चढ़ गए और छिपकर सब हाल देखने लगे। दोपहर होने तक एक यति वहां आया। उसने बाईं तरफ के कुएं से एक चुल्लू पानी लिया और उस बंदरिया पर छिड़क दिया। वह तुरंत एक बड़ी ही सुंदर स्त्री बन गई। यति पहर भर उसके साथ रहा, फिर दूसरे कुएं से पानी खींचकर उस पर डाला कि वह फिर बंदरिया बन गई। वह पेड़ पर जा चढ़ी और यति गुफा में चला गया। राजा को यह देखकर बड़ा अचंभा हुआ। यति के जाने पर उसने भी ऐसा ही किया। पानी पड़ते ही बंदरिया सुंदर स्त्री बन गई। राजा ने जब प्रेम से उसकी ओर देखा तो वह बोली, हमारी तरफ ऐसे मत देखो, हम तपस्वी हैं, शाप दे देंगे तो तुम भस्म हो जाओगे। राजा बोला, मेरा नाम विक्रमादित्य है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। राजा का नाम सुनते वह उनके चरणों में गिर पड़ी, बोली, हे महाराज, तुम अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो यति आएगा और हम दोनों को शाप देकर भस्म कर देगा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और इस यति के हाथ कैसे पड़ी? वह बोली, मेरे पिता कामदेव और माँ पुष्पावती हैं। जब मैं 12 बरस की हुई तो मेरे माँ बाप ने मुझे एक काम करने को कहा। मैंने उसे नहीं किया। इस पर उन्होंने गुस्सा होकर मुझे इस यति को दे डाला। वह मुझे यहाँ ले आया और बंदरिया बनाकर रखा है। सच है, भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। राजा ने कहा, मैं तुम्हें साथ ले चलूँगा। इतना कहकर उसने दूसरे कुएं का पानी छिड़ककर उसे फिर बंदरिया बना दिया। अगले दिन वह यति आया। जब उसने बंदरिया को स्त्री बना लिया तो वह बोली, मुझे कुछ प्रसाद दो। यति ने एक कमल का फूल दिया और कहा, यह कभी कुमलाएगा नहीं और रोज एक लाल रत्न देगा, इसे संभाल कर रखना। यति के जाने पर राजा ने बंदरिया को स्त्री बना लिया। फिर अपने वीर बेतालों को बुलाया। वे आए और तख्त पर बिठाकर उन दोनों को ले चले। रास्ते में
हिती का दिया लाल रतन उगलने वाला फूल राजा ने एक सुंदर खेलते हुए बालक को दे दिया। बालक फूल लेकर घर चला गया। राजा स्त्री को साथ लेकर अपने महल में आ गए। अगले दिन कमल में एक लाल रतन निकला। इस तरह हर दिन निकलते निकलते बहुत से लाल रतन इकट्ठे हो गए। एक दिन उस बालक का पिता उन्हें बाजार में बेचने गया। कोतवाल ने उसे पकड़ लिया और राजा के पास ले गया। लड़के के बाप ने राजा को सब हाल ठीक ठीक कह सुनाया और बताया कि उसे नहीं पता यह फूल बालक के पास कहाँ से आया है, लेकिन हर दिन इसमें से रतन निकलता है। सुनकर राजा को सब याद आ गया। कोतवाल को उन्होंने हुक्म दिया कि वह उसे बेकसूर आदमी को 1,00,000 रुपया दे। इतना कहकर पुतली पुष्पवती बोली, हे राजन, जो विक्रमादित्य जैसा दानी और न्यायी हो वही इस सिंहासन पर बैठ सकता है। राजा झुंझलाकर चुप रह गया। अगले दिन वह सिंहासन की तरफ बढ़ा तो मधुमालती नाम की 9वीं पुतली ने उसका रास्ता रोक लिया। तो यह जानने के लिए कि मधुमालती पुतली ने राजा को कौन सी कहानी सुनाई, इंतज़ार कीजिए भाग 9 का।